नमस्कार, मैं ई रेडियो बोल रहा हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी वर्षों पुरानी तो नहीं है, पर 2019 की राजनीति के लिए एकदम नई है। जिस शहर की कहानी है उसे हम और आप हाजीपुर कहते हैं। जी हाँ, हाजीपुर। ये वही शहर है जहाँ सिकिन शेखर ई रेडियो की नई पड़ताल शुरू किया है। इतिहास के पन्नों में मैं आपको दूर नहीं ले जाना चाहता हूँ। कोई गूगल और विकिपीडिया की बातें नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इन बातों में देश की हकीकत तो होती है, पर इतिहास की बातें ज्यादा लगती है। वैसे आपको मोदी जी पसंद है ना? तो उनकी मन की बात सुनिए। अच्छा, मन की बात से ज्यादा अच्छा भाषण पसंद है? अच्छा, तो भाषण ही सुन लीजिए। भाइयों बहनों, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं। डिग्निटी ऑफ वुमेन क्या हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं। जब तक अंधेरा नहीं आते हैं जाता है, वो शौच के लिए नहीं जा पाती है। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों के इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? भाइयों बहनों, आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता हूं, मैं गरीब परिवार से आया हूं, मैंने गरीबी देखी, और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से होती है। 1:16 कि ये आवाज प्रधानमंत्री मोदी की है। इस बयान में पीएम मोदी एक सवाल उठा रहे हैं, और सवाल ये कि क्या हम माँ बहनों की इज्जत के लिए कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? इस पूरे किस्से को समझिए। देश की आजादी के जश्न के उस महफिल में बैठे लोगों को याद कर समझिए। लाल किले के प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो आवाज उठाई गई, क्या वो आवाज उन तमाम जरूरतमंद लोगों तक सुनाई दी होगी? अगर नहीं, तो उस प्रधानमंत्री मोदी को क्या और कैसी सजा मिलनी चाहिए? हालांकि बात 2014 की है। मोदी जी कहते हैं बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती है। अब मैं आपको शहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं, क्योंकि मोदी जी गांव की चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे में शहर कहीं गुमनाम तो नहीं हो जाएगा? तो हमने अपने ही शहर हाजीपुर के सरस्वती अम्मा से बातचीत किया, सुनिए जरा। हम लोग के ना कॉल है ना बाथरूम है, बेटी पुतो जाता है पूरा कॉल, सारे संसार में लोग देखता है। इज्जत प्रतिष्ठा से हम लोग के झोपड़ी उजाड़ करके हम लोग के जगह मिलना चाहिए, हम लोग के पैखाना पर मिलना चाहिए। हम लोग बहुत सक्रियन में आए, हम सब लोग अति इलेक्शन में ठहरा होते हैं तो आप लोग के हमसे जिताते हैं, हम सब रोड पर हम लोग के उजाड़ देता है तो कहाँ बाल बच्चा लेके रह जाएंगे। यहाँ पे आप वोट कितने सालों से दे रहे हैं? हमको 80 बरस से उम्र है तब से वोट दे रहे हैं। अच्छा, आज तक ला हम लोग के ना नौकरी है ना चाकरी है ना घर है ना द्वार है ना बाथरूम है, हम लोग के नया बेटी पुतो सब कहाँ रहेगा, सारा लोग पाप नरक देख रहा है। अम्मा जी, आप मुझे बताइए, यहाँ पे आप इतने सालों से वोट दे रहे हैं, कभी नेता लोग यहाँ पे आए आपसे बातचीत करने के लिए? आ रहा है, बन रहा है। ना हम लोग के फुट पर है, रेलवे वाला नोच देता है, हम लोग भाग जाते हैं, फिर खड़ा कर लेते हैं। की का मतलब है? मतलब रेलवे को जब मन किया घर तोड़ दिया। हम लोग रोड पर, तो लोग घर क्यों तोड़ता है, किस बात को कह के तोड़ता है? हम लोग के ना जगह है ना जमीन है, सरकार के ही ना जिताते कि हम लोग के सुविधा पड़े। सरस्वती अम्मा साफ तौर पर कह रही है सरकार को इसलिए तो जिताते हैं ताकि हमें सुविधाएं मिल सके। पीएम मोदी शायद ही इतनी सुलझी हुई सरकार की परिभाषा जनता के परिप्रेक्ष्य में जानते होंगे। हालांकि इसमें आपको कोई शक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बगैर जाने इस बात का जिक्र
पीएम मोदी अपने जुबान से कभी कर ही नहीं सकते। सुनिए जरा। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच क्रिया के लिए जाना पड़े, क्या इससे बड़ी कोई शर्मिंदगी की बात हो सकती है? क्या किसी को भी पीड़ा होती है मित्रों? लेकिन जिस देश में गांधी जी जीवन भर स्वच्छता सफाई इसके लिए जीते रहे, जीवन भर इनकी प्राथमिकता थी, उस देश में हम इस स्थिति में है। मित्रों, मेरी पहचान तो है हिंदुत्ववादी की, लेकिन मेरी रियल सोच क्या है मैं आपको बताता हूं। मैंने मेरे राज्य में बड़े हिम्मत के साथ एक बात कही है और लगातार कहता हूं, जो मेरी छवि है वो ये हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन मैं करता हूं। मैं कहता हूं, पहले शौचालय फिर देवालय। हर गांव में लाखों रुपयों के देवालय तो है, लेकिन शौचालय नहीं है। मित्रों, समाज में इस हिम्मत के साथ, और लीडर्स की यही तो क्वालिटी होती है, उसमें हिम्मत चाहिए। समाज की कठिनाइयों के समय नेतृत्व करने का, सामर्थ्य दिखाने का, नई राह पर जाने का हिम्मत चाहिए। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। आपको इन बिंदुओं पर सवाल उठाना चाहिए। सरकार को सबका साथ तो मिला, पर सबका विकास कितना हुआ? इस सवाल पर अगर पीएम मोदी को यहाँ तक कहना पड़े कि मेरे पर भरोसा मत कीजिए, मेरी सरकार पर भरोसा मत कीजिए, तो फिर सरस्वती अम्मा जो आज जनता के रूप में ई रेडियो के सामने आई, उनका क्या होगा? आपको सोचना चाहिए। इसे भी सुन लीजिए जरा। हम सबके लिए महात्मा गांधी का क्विट इंडिया, ये सफलता जैसे हमें एक आनंद देती है, क्लीन इंडिया भी हमें उतना ही आनंद देगी, इतना ही सुख देगी, उतना ही समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करेगी। इस विश्वास के साथ, इन महापुरुषों के शब्दों पर भरोसा करके हम चल पड़े। मेरे पर भरोसा मत कीजिए, मेरी सरकार पर भरोसा मत कीजिए, भरोसा हम करें महात्मा गांधी पर, भरोसा करें महात्मा गांधी की त्याग तपस्या और समर्पण पर। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मोदी जी दरअसल किस भरोसा की बात कर रहे हैं? खैर, आगे बढ़ते हैं। अपना शहर हाजीपुर, राजनीति के ख्याल से जब इस शहर को वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो राजनेता के रूप में मात्र एक नाम सामने आता है, रामविलास पासवान। ये वही रामविलास पासवान है जो मोदी सरकार के तरफ से दलितों के समक्ष इस वक्त विकट परिस्थिति में सबसे बड़ा दलित संरक्षण का दरवाजा खोलते हैं। आप जरा सोचिए, अपना शहर हाजीपुर, अपना नेता रामविलास पासवान, मुद्दा दलितों को लेकर, तो एक नेता शहर को क्या से क्या कर सकता है? नहीं तो शहर को डुबा सकता है या शहर को स्मार्ट बना सकता है। अगर ये सब न हुआ तो शहर को जैसे का तैसा छोड़ सकता है। स्थिति कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द नजर आएगी। हाजीपुर शहर की स्थिति को तो हम देखेंगे ही, पर जरा एक नजर डाल लेते हैं रामविलास पासवान के हाल ही के बयानों पर। मैं आज पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी से कि इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए क्या किया? बाबा साहेब अम्बेडकर को जिंदगी भर कांग्रेस के लोगों ने गाली देने का काम किया, गाली दिलवाते रहे। अब बाबा साहेब अम्बेडकर का काम है, बाबा साहेब अम्बेडकर का एक काम हुआ 1990 में, और दूसरा क्या कहते हैं कि जो काम हुआ ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट उस समय का बना हुआ था, हमने बनाया था, ये कांग्रेस झूठ बोलती है, बीपी सिंह के समय बनाया हुआ था, और उस एक्ट को जो है मजबूत करने का काम जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया 2016 में। पहले जैसे जूता का माला पहना दे, घोड़ा पर जाए, बाल मुरा दे, ये कर दे वो कर दे, वो एक्ट में नहीं था।
ये सबको जो है वो क्या कहते हैं 2000 एक्ट में क्या कहते हैं संशोधन क्या कहते हैं किया गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो लोग फोटो लगा करके राजनीति कर रहे हैं वो बतलावे ना कि बाबा साहब अम्बेडकर को क्या किया था। बाबा साहब अम्बेडकर तो दो बार पार्लियामेंट में लोकसभा में खड़ा हुए थे और कांग्रेस पार्टी ने जो है ऐरू गैरू नथू खैरू को जो है उनके खिलाफ में क्या कहते हैं उम्मीदवार दे करके भंडारा में एक जगह और जो है हराने का काम किया था। क्या किया था इन लोगों का बाबा साहब अम्बेडकर को आगे बढ़ाने में, ये हमारी सरकार है। हमारा राजनीतिक जीवन 50 साल का हो गया, 1969 में एमएलए बने थे, जब से बने हैं गरीब के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई हम गरीब के लिए, दलित के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति के लिए, जबकि पिछड़ी जाति में हम नहीं है लेकिन मंडल कमीशन के लिए सबसे ज्यादा लड़ने का काम किया। कह रहे हैं राजनीतिक जीवन 50 वर्ष का हो गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, रामविलास पासवान 1977, 1980, 1989, 1996, 1998, 1999, 2004 और फिर उसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत दर्ज किए और सड़क से संसद पहुंच गए। मत सोचिए ये कोई बहुत खुशनुमा उपलब्धि है। इस सांसद को इस शहर की किन किन मुद्दों पर कैसे कार्य करना है कोई एक्शन प्लान नहीं है। और सिकिन अपनी बेबाकी से रामविलास पासवान से ये जरूर कहेगा कि साहब आपकी जगह अगर कोई साधारण सोया हुआ सांसद भी इस शहर में रहे तो आपके परिणाम और उसके परिणाम में कोई बड़ा अंतर नहीं दिखने वाला है। शहर की स्थिति अभी देखनी बाकी है और आप देखेंगे कि दरअसल हाजीपुर की जनता किन किन हालातों में इस शहर में घुटती नजर आएगी। इस कहानी के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है रामविलास पासवान साहब कि आप दिल्ली में बैठकर बातें अच्छा कर लेते हैं। आज आप दलितों के नेशनल आइकॉन हो गए हैं। गूगल विकिपीडिया पर आपको दलित नेता कहकर संबोधित किया जा रहा है। आप गदगद हैं। बहुत खास अवसर पर आप मेहमान बनकर हाजीपुर शहर में प्रवेश करते हैं। मगर आपको सोचना पड़ेगा कि जिस शहर से आप नेशनल आइकॉन बन रहे हैं, जिस शहर ने आपको दलित नेता बनाया, उसी शहर की दलित जनता का क्या हाल है? तो ये तमाम सवाल रामविलास पासवान साहब से है और हाजीपुर की जनता इस सवाल के जवाब के इंतजार में है। तो चलिए अब जरा हाजीपुर की हालात को समझ लेते हैं। अम्मा जी, अभी आपके क्षेत्र में हम आए हैं देखने के लिए कि आप लोग रहते किस तरीके से हैं। मालूम चला कि आपके यहाँ शौचालय नहीं है। आप एक महिला हैं। देश में कितनी महिलाएं जो हैं मंत्री बनी हुई हैं, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, वैसे कई लोग हैं। अब आप मुझे बताइए, आप महिला हैं, कितना मुश्किल होता है और कैसे उन महिला नेत्री को बताइएगा आप? हम लोग के पास खाना नहीं है जी, खुला में जाते हैं जी, कहाँ से लाए, कौन नहीं है, कौन नहीं है जी, न चापा खोला है, हम लोग कहाँ रहेंगे। तो अम्मा जी बताइए, जो महिला नेत्री जो वहाँ बैठे हुए हैं मोदी जी के साथ, उनको क्या कहिएगा आप? कहेंगे कि हमको लोग के कॉल नहीं है, हाँ, खाना नहीं है, हम लोग के मकान नहीं है, झोपड़ी में रहते। अच्छा अम्मा जी, आप मुझे बताइए, मोदी जी कभी यहाँ पे आए हैं? कभी नहीं आए हैं। कभी टीवी में न्यूज देखे हैं मोदी जी को, देखे हैं कभी? तो वो कहते हैं कि हम जो समाज के जो सबसे पिछड़े लोग हैं उनके लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और उनके लिए सरकार है, और कहते हैं कि ईमानदार सरकार है। कभी लगता है कि सरकार कुछ कर रही है आप लोगों के लिए? कुछ नहीं कर रही है। और क्या कहना चाहिएगा सरकार को? हम लोग सरकारी जमीन में घर है, अच्छा, इसीलिए सब आके तोड़ देता है। अच्छा, फिर हम लोग बना लेते हैं। तो तोड़ने के पहले कुछ कहता है वो लोग? हाँ, पता है, हटा लो। अच्छा, तो आप लोग नहीं हटाते हैं? ना, हम लोग कहाँ जाए। तो तोड़ने के लिए क्यों कहता है? कुछ बनाएगा क्या वो लोग? नहीं, सब तो बोलवे नहीं करता है, ये सब नहीं बोलता है। और ये अम्मा जी बताइए, बच्चे लोग सियाने हो गए हैं, कभी पढ़ने के लिए भेजते हैं इन लोगों को? पढ़ाई अच्छा भी नहीं करता है मैडम लोग, बच्चे लोग भागा था। अच्छा, मतलब पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे? मैडम उन्हें बतिया रहा है, बच्चा लोग ने लड़ कट के मर रहा है, कोई मैडम नहीं कुछ नहीं आता है। हम लोग यह कह रहे हैं कि हम लोग के लिए एक बस्तार से घर मिलना चाहिए। अच्छा, बाथरूम मिलना चाहिए। ठीक है,
हम लोग इतना साल से रह गए, बाप दादा गुजर गया। अच्छा। आज हम तो रोड पर है। अच्छा। हम लोग के ना नौकरी है ना चाकरी है। हाँ। हम लोग फूट पर कमाते हैं, फूट पर खाते हैं। हम लोग कहाँ जाए, चार गो बाल बच्चा नानी नानी को लेकर के कहाँ जाएगा, पति भी नहीं है, कहाँ जाए हम लोग बाल बच्चा ले। आज एगो कूड़ा करकट हर तार से घेर दिया रेलवे के जमीन में, तार से घेरा गया, कहे इतना तार गड़ गया मेरा हाथ में, टेटनस पकड़ लिया, दूगो बच्चा मर गया। मरा क्यों बच्चा? बच्चा मर गया, टेटनस धो लिया, तार से घेरा था, दुनिया ने दवाई हुआ, गरीब आदमी कहाँ से करेगा, पैसा ना। जरा उस तार को एक बार फिर से दिखाइएगा अम्मा जी, चल के कहाँ पे है। देखिए हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग का व्यवस्था है, जाने के है व्यवस्था। हाँ, सबके सबके दिल में गड़ता है सर। टिटनेस इसी की वजह से हुआ था? टिटनेस नहीं, मैं पूछ रहा हूँ टिटनेस किस तरीके से हुआ था। में जाते थे बच्चा ले पैखाना करने के, तार गिर गई, फट गया, टिटनेस पकड़ लिया, गरीब आदमी कहाँ से पैसा लगाएंगे कि निमन करेंगे। अच्छा, मतलब यही तार गड़ने से टिटनेस हुआ। रेलवे वाला है सर, रेलवे वाला जमीन, न रहे के घर है, न बाथरूम के साजन है, न पानी कॉल है, पिए लगे नल है, नल है, वोट हम लोग देकर जो सरकार के जिताते हैं, 10 रुपया कमाएंगे, 10 रुपया में खाना खाएंगे, रहे के घोड़े नहीं है, पानी पिए के साजने नहीं है, बाथरूम करे के रास्ते नहीं है, कहाँ लोग जाए। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान ने देश के करोड़ों करोड़ महिलाओं की जिंदगी जिस तरह बदली है उससे आप भली भांति परिचित है। एक शौचालय के निर्माण से महिला को सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य तीनों मिल रहा है। जो गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित हो रहे हैं वहां के बच्चों को डायरिया कम होता है और उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी सही तरीके से हो रहा है, क्योंकि अब बच्चे कम बीमार पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि 21वीं सदी में अब तक मानव स्वभाव को बदलने वाला ऐसा जन आंदोलन किसी और देश में अब तक नहीं हुआ है। निश्चित रूप से भारत बदल रहा है। मोदी जी से कुछ कहिएगा क्या? कहा तुमको फर्ज है, क्या कहिएगा, क्या कहना है कि सर हम लोग गरीब है, हम लोग कुछ साधन चाहिए, इंदिरा आवास रूम चाहिए और कुछ नहीं, और क्या चाहिए, चापा कॉल चाहिए। इंदिरा आवास के बारे में पता कैसे चला? इंदिरा आवास के बारे में हम लोग के मधुबनी जिला में है ना, इंदिरा आवास मेरा हुआ है, लालू यादव के बनाया हुआ मकान, 5 मकान मेरा मधुबनी जिला में है, यहाँ नहीं है, शुरू से बचपन से यहाँ बाप दादा यहाँ मर गया, यहाँ है लेकिन हुआ है लेकिन यहाँ नहीं है, यह लेकिन बारे में कहना चाहते हैं और क्या कहेंगे। आप अपने बच्चों को देखते हैं तो क्या सोचते हैं, ये बच्चे लोग कभी डॉक्टर इंजीनियर बन पाएंगे क्या? गरीब के बच्चा है सर, क्या करेगा, आगे बढ़बो करेगा तो भविष्य में आगे कैसे बढ़ेगा, पैसा कभी रहेगा तो अपना जड़ जमीन रहेगा। सपना कभी आता है बच्चों को लेकर? सपना आता है कभी? कहा नहीं आएगा। तो क्या सपना आता? अपना बारे में हम सोचते हैं कि अच्छा भविष्य पर चढ़े, पढ़ लिए, कुछ मेरा नाम रोशन करे, इतना ही जानते हैं। और आपका नाम रोशन किस तरीके से करेगा? किस तरीके से करेगा? अच्छा अच्छा जॉब। आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा क्या करे? अच्छा जॉब हो। क्या चाहते हैं? अच्छा जॉब। जॉब का काम क्या हो? काम क्या हो, पढ़े लिखल रहे, कुछ अच्छा जॉब हो, पुलिस में भर्ती हो, इंस्पेक्टर में भर्ती हो। मतलब आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंस्पेक्टर बने? हाँ, क्या शौक है चाहना मेरा, लेकिन उतना कर्तव्य करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। बाबा एक बात बताइए, आप दौड़ी बना रहे हैं? डाला बना रहे हैं? हाँ। तो डाला बनाने का जो काम है, इस काम को करना और काम करके परिवार चलाना कितना मुश्किल काम है? मुश्किल तो ये है। हाँ। तो अब क्या करेंगे, अब चलाना ही पड़ता है, बाल बच्चा को खिलाना ही पड़ना, सब कुछ इसी में पढ़ाई लिखाई सब कुछ करना है, इसी में करना, नौकरी चाकरी तो है नहीं। नहीं, नहीं। ये वाला घर है? ये वाला घर।
और अम्मा जी इस घर में कितने लोग रहते हैं? हमारे घर है चार गो लड़का दो बच्चिया। अच्छा, ना नौकरी है ना चाकरी है। इसका क्या रेट लगना चाहिए? 7,000 रुपया? 1,200। 1,200 में बिक जाएगा? लोगों को लगता होगा कि इतना पैसा भी ज्यादा है, लोग कहते होंगे कि कम कर दो। अम्मा जी तो मतलब 1,200 रुपए में कोई देगा तो आप बेच दीजिएगा इसको? मतलब देखने में ऐसा लगता है कि कोई अमेरिका से बना के भेजा होगा, लेकिन और अम्मा जी के हाथों में इतनी अच्छी जादू है ना? अगर ये 1,200 रुपए में बिकते रहे तो फिर तो बहुत अच्छा परिवार चल सकता है। नहीं देता है, लेकिन मेहनत बहुत लगता है, बहुत बारीकी वाला मेहनत है। हाँ अच्छा, आप बताइएगा किस तरीके से आप बांस को चीरते हैं, कैसे एक बार बताइएगा? जैसे कोई मोटा फट्टी है। अच्छा, तो मतलब पेड़ से जो बांस आप काट के लाए उसको सुखाना पड़ता है? हल्का सुखाना पड़ता है।